गेमिंग है। तो केआरजी दोस्त सबसे भी कैसे हैं, मैं करण आपका स्वागत करता हूं केआरजी गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले बड़े क्लैश के बारे में, मतलब ये बिग क्लैश होने वाला है फौजी एंड पबजी मोबाइल इंडिया के बीच में। सो दोस्तों दोनों गेम्स रिलीज होने वाले जनवरी के अंदर। एंड दोस्तों एक बात और क्लियर कर देता हूं, मैं किसी भी तरह से इन दोनों गेम्स को आपस में कंपेयर नहीं कर रहा हूं। सो भाई ठीक है, ठीक कहा है। तो दोस्तों अभी तक फौजी मोबाइल की रिलीज डेट तो कंफर्म हो चुकी थी, पर पबजी मोबाइल का अभी तक कोई सीन हमें बन नहीं रहा था, मार्च तक डिले होने की बात कह रहे थे। पर दोस्तों अभी हाल ही में ही 2-3 दिन के अंदर रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, एंड ऐसे ट्रस्टेड आर्टिकल से भी न्यूज निकल कर आ रही है कि फौजी मोबाइल से पहले हमें देखने को मिल सकता है पबजी मोबाइल इंडिया। सो दोस्तों इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले कहना चाहूंगा प्लीज यार नीचे कमेंट बॉक्स में फौजी लवर हो तो फौजी लवर लिख देना, एंड पबजी लवर हो तो पबजी लवर लिख देना। उससे पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफी सारे लोग वीडियोस को देखते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, काफी ट्रस्टेड आर्टिकल से निकल कर आ रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया हमें फौजी से देखने को पहले मिल सकता है। यहाँ पर डेट भी रिलीज कर दी गई है 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले मिनिस्ट्री से इसको मंजूरी नहीं मिल रही थी, फिर बीच में काफी सारी बातें उठी कि मिनिस्ट्री का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था भाई, किसी बात के चलते हुए पबजी मोबाइल इंडिया को यहाँ पर डिले करा जा रहा था। पर अभी रूमर्स के रिगार्डेड बात निकल कर आ रही है कि पबजी मोबाइल वापस रिलॉन्च किया जा सकता है फौजी मोबाइल से पहले। अब यहाँ पर फौजी मोबाइल की रिलीज डेट तो कन्फर्म हो चुकी है 26 जनवरी, उसमें कोई भी डिले नहीं हो सकता एंड ना उसमें कोई पहले आ सकता है गेम। पर अभी पबजी मोबाइल का सीन बन रहा है कि वो फौजी से हमें पहले देखने को मिल सकता है एंड्रॉइड डिवाइस एंड आईएसओ के अंदर। तो दोस्तों अगर दो बड़े गेम आसपास में ही रिलीज होंगे तो यहाँ पर क्लैश तो हमें देखने को मिलेगा ही, एंड यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हो कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर काफी ऑडियंस चली जाएगी एंड काफी लोग चाहेंगे कि वो फौजी मोबाइल का वेट करें। तो दोस्तों बेस्ट चॉइस ये रहेगी कि आप दोनों गेम को इक्वली एंजॉय करो, ऐसा नहीं कि आप अगर किसी गेम को खेल रहे हो तो दूसरे गेम को आप हेट दो। दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा जैसे कि पबजी मोबाइल इंडिया का कोई अभी तक सीन बन नहीं रहा था, ऐसा क्या हुआ बीच में ही कि पबजी मोबाइल इंडिया के मतलब ट्रेलर को ही रिलॉन्च किया जा रहा है एंड साथ में उसको गेम को भी रिलॉन्च किया जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री सोर्सेज को पहले मंजूरी नहीं दी थी एंड आर्टिकल्स के अंदर भी इसके रिगार्डेड कोई भी बात नहीं कही जा रही है कि मिनिस्ट्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है या नहीं। पर अभी कहा जा रहा है कि जैसे ही आपको पबजी मोबाइल इंडिया का ट्रेलर हमें यहाँ पर 2-4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा 19 तारीख से पहले, एंड काफी स्ट्रीमर्स का भी इसके ऊपर रिएक्शन ये रहा है कि उन्होंने भी इस चीज को बिल्कुल सही बताया है। तो दोस्तों देखना तो यही है कि पबजी मोबाइल इंडिया क्या हमें इन 4-5 दिनों के अंदर ही देखने को मिलने वाला या नहीं। साथ में बताया जा रहा है कि ट्रेलर आएगा उसके बाद में आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि पबजी मोबाइल इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर एक ग्लिच आ रहा था कि हमें डाउनलोड बटन देखने को मिल रहा था पर वहां पर डाउनलोड नहीं हो रहा था, वो हमें रीडायरेक्ट कर रहा था उनके फेसबुक पेज के ऊपर। सो अब वहां पर से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे एंड ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देखना यही कि क्या हमें पबजी मोबाइल पहले देखने को मिलेगा या फौजी मोबाइल इंडिया। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी को न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.